राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक बार फिर हुंकार भरने की तैयारी में है। करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कलवी ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 23 सितंबर को चित्तौड़ में होने वाले सेना के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर फिल्म पद्मावत की रिलीज, आरक्षण की समीक्षा और विवादित राम जन्मभूमि पर राजमहल बनाने जैसे विषय पर एक आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेना इस बार वोट पर चोट भी करेगी, जिससे कुछ परिणाम सामने आ सके। कुछ विषयों को लेकर सेना प्रमुख कलवी जल्द ही संघ और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कलवी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी करणी सेना अपना एक बड़ा आयोजन करने की योजना पर काम कर रही है। इंदौर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा के आयोजन में पार्टी कार्यकर्ता आते नहीं, ऐसे में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी स्कूली बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, सरकारी कर्मचारी, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम सेवकों का उपयोग भीड़ बढ़ाने के लिए करती है। सरकार का काम इन्हीं के सहारे चल रहा है। सिंह ने यहां भोई समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि इस बार शिवराज सिंह को प्रदेश की जनता आशीर्वाद नहीं देगी, पार्टी एकजुट है और इसका प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। प्रदेश सरकार भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहीं स्कूल बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अधिकारी कर्मचारी, छोटे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, ग्राम सेवक, पटवारी, अब भाजपा जो है इन्हीं के सहारे काम कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता तो आते नहीं है क्योंकि उनको माल मिलता नहीं, बड़े नेता सब माल खा जाते हैं। इंदौर शहर में गुंडों का आतंक कायम है। शहर में गांधीनगर क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग द्वारा गरीब परिवारों को परेशान और उनके घरों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर शिवसेना ने पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर डीआईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रभावितों ने इलाकों के कुछ लोगों पर आरोप भी लगाए और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। सरकार की नीतियों से परेशान इंदौर की छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी के व्यापारियों ने अपनी 3 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी कामकाज ठप रखा। अनाज व्यापारी ऑनलाइन लाइसेंस समेत अन्य नीतियों के विरोध में हैं। हड़ताल का आह्वान सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के बैनर तले किया गया। समिति के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने बताया कि शासन व्यापारियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस, ई अनुज्ञा और ई नीलामी जैसी व्यवस्थाओं को अनिवार्य कर रहा है। हर व्यापारी के लिए इसका उपयोग आसान नहीं है। इंदौर के अरण्य धाम आश्रम में बीते 9 दिनों से चल रहे कुंडीय महायज्ञ का शुक्रवार को समापन हुआ। अरण्य धाम आश्रम पर यज्ञ की पूर्णाहुति के मौके पर संत राम जी महाराज और अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने महायज्ञ की परिक्रमा कर अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट किया। इस दौरान ट्री मैन के नाम से मशहूर विष्णु लांबा ने भी अरण्य धाम में कल्पवृक्ष का पौधा लगाया। इसके अलावा भी उन्होंने इंदौर के स्कीम नंबर 78 में एक संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।